हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल को कवर करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ से निकल के आई है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इससे पहले जो हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट, पीएचडी अपडेट, गवर्नमेंट टीचर जॉब अपडेट देती हूँ, जो स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती है। अगर इसी तरह की अपडेट आप पाना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, बिकॉज हर दिन किसी न किसी अपडेट रिगार्डिंग मैं अपने चैनल पर वीडियो डालती रहती हूँ, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती हैं स्पेशली। तो यहाँ पे पर डे आप देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट से स्कूल टीचर की, पीएचडी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती हैं। तो जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है, डिकैन एजुकेशन सोसाइटी पुणे से निकल के आई है, परमानेंट पोस्ट है। इसकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे कैरियर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ग्रांट इन एड कॉलेज पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पर चेक डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, जिसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश एडवर्टीजमेंट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोड सैम्पल फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ से। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके आपने डिमांड ड्राफ्ट बना के यूनिवर्सिटी को भेजना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये नोटिफिकेशन है, जो कि आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, डिकेन एजुकेशन सोसाइटी पुणे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, परमानेंट पोस्ट है ये, जो कि एफिलेटेड कॉलेज किससे, सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से है। और यहाँ पे देखिए दो रिक्रूटमेंट, दो कॉलेजेस पुणे से और एक मुंबई से रिक्रूटमेंट निकल के आई है। पुणे के दो कॉलेजेस और एक मुंबई के कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट आपके सामने हैं, जैसे अकाउंटेंसी, कॉमर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी से स्पेशली अपडेट देती हूँ, तो मुंबई के कॉलेज से निकल के आई है रिक्रूटमेंट। एक पोस्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक, बॉटनी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स से होना चाहिए, प्लस 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए। और उसके बाद ये भी बोला है, जिन्होंने नेट के साथ साथ या सेट क्वालिफाई कर रखे हैं, या फिर 2009-16 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने एमफिल पीएचडी की डिग्री ले रखी हैं, वो नेट सेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर दे रखा है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, वेबसाइट पे कैसे पहुँचेंगे, www.despune.org पे आप टाइप करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 500 रुपये का फॉर ओपन कैटेगरी, और 250 का रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। किसके फेवर में, इन फेवर सेक्रेटरी डिकेन एजुकेशन सोसाइटी पुणे। और उसको आपने भेज देना है, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, 9 नवंबर 2024 तक आपने भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर फुल राइट फुल नेम इन कैपिटल लेटर, साथ ही किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ एनवलप में आप मेंशन करेंगे। और इंस्ट्रक्शन दे रखी है कैंडिडेट के लिए, किस तरह से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी ओनली, सॉफ्ट कॉपी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो अप्लाई करने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या मांगा गया है। मेरा काम था आपको अपडेट करना। परमानेंट पोस्ट है, एक पोस्ट निकल के आई है हिंदी से, परमानेंट पोस्ट है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन कैंडिडेट के पास जो हिंदी से रिलेटेड वैकेंसी अपडेट पाना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।